The motive of this video is to find the address of particular index of a two-dimension, one-dimension or multi-dimension array without using any formula, right? So let's start. This is the one simple question. Let me solve this problem. The question is, suppose multi-dimension array P and Q are declared as this dimension. P minus 2 to 2. This, let's solve this first question, first part. See, the first part is saying P is, what is the dimension of P? Minus 2 to 2 and 2 to 22. It means this is two dimension, right? Two dimension is there. And another one is Q. Q is 1 8. First, minus 5, 2, 5, and minus 10 to 5. It means this is three dimensional. There are three dimensions, and this is two dimension, right? Now, the first question was, find the length of each dimension of P and Q. So, iska dimension nikalne ke liye kaise karenge, dekhiyega. Isko hum first, इसको हम नाम देने जा रहे हैं. Suppose I'm going to name here LB, UB, LB1 or and UB1, right? Similarly, this one is LB2 and this one is UB2, right? तो tell me one thing. अगर मुझे इस array का मल्टी डायमेंशन या टू डायमेंशन अरे का लेंथ निकालना हो तो कैसे लेंथ निकालेंगे? उसके लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं. सपोज करिए दिस इज अरे, राइट, दिस इज अरे. इस अरे में मेरे पास सिंपल 1 2, ये है. इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. इसको अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैं डिक्लेयर करूं तो कैसे डिक्लेयर करूंगा? सपोज इस वन डायमेंशन अरे का नाम है ए आर आर, तो कैसे लिखूंगा? आई एन टी ए आर आर एंड दिस इज 5, मींस 5 ब्लॉक्स आर देयर, 1 2 3 4, 5 ब्लॉक्स आर देयर. इस एरे डिक्लेरेशन को अगर मैं इस नोटेशन में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? You can write here ARR and 0 to 4. Okay, 0 to 4 means lower bound is 0 and upper bound is 4. Lower bound 0, upper bound 4. Means you can say this is lower bound. Lower bound and this one is upper bound. This ko main bol sakta hun, lower bound 1, upper bound 1. Kyunki ye one dimension aa rahe hai. इसको बोलता है लोअर बाउंड 1, अपर बाउंड 1, राइट. अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरा इस तरह का नोटेशन दिया हुआ हो तो इसमें अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, या इसे इस लेंथ कितनी होगी इसकी, तो लेंथ यू कैन से है 5. ये 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5. तो इस नोटेशन से हम कैसे पता करेंगे इसकी डायमेंशन कितनी है? तो उसके लिए यू नो यू कैन इजीली सी कि अगर मैं 4 माइनस 0 प्लस 1 करता हूं तो 5 हो जाएगा. इट मींस अगर मैं बोलता हूं 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना हो गया? 5 आ गया. नाउ व्हाट इज द फार्मूला, क्या बन गया इसका? अगर मैं UB1 में से LB1 सबट्रैक्ट करता हूं एंड प्लस 1 करता हूं तो कितना हो जाएगा? UB1 इज 4 एंड माइनस 0 प्लस 1, हाउ मच? 5. तो यू कैन से 5 हो गया. नाउ तो व्हाट आई मीन टू से कि इस तरह का नोटेशन अगर दिया हो और मुझे डायमेंशन पता करना हो तो हम इस LB1 और LB और UB का हेल्प ले सकते हैं. सिमिलरली यू टेल मी कि इसका इस टू डायमेंशन अरे का
इसका लेंथ कितना होगा और इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, सिमिलर सिंपल, 2 माइनस दिस वन, यू बी वन माइनस एल बी वन प्लस वन एंड यू बी टू माइनस एल बी टू प्लस वन, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट, तो हम इसका, अच्छा ओके ना, इसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, सपोज हम लिखने जा रहे हैं एल वन, इसका नाम एल वन और ये एल टू है, इस पी के लिए लेंथ वन लेंथ टू, तो एल वन इज व्हाट, एल वन इज यू बी वन माइनस एल बी वन प्लस वन, तो यू बी वन इज, यू बी वन इज टू एंड टू एंड एल बी वन इज माइनस टू प्लस वन, हाउ मच, फाइव, राइट। सिमिलरली एल टू इज इक्वल टू व्हाट, एल टू इज, इस एल टू को निकालने के लिए यू बी टू माइनस एल बी टू प्लस वन, तो यू बी टू व्हाट इज यू बी टू, ट्वेंटी टू माइनस टू, ट्वेंटी टू माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया आपका ट्वेंटी वन, राइट। तो ये मेरा दो लेंथ निकल गया, इस टू डायमेंशन अरे का लेंथ कितनी आ गई, फाइव एंड ट्वेंटी वन। सिमिलरली अगर मैं क्यू का निकालता हूँ तो क्यू का कैसे होगा, क्यू के लिए हमने लिया क्यू, दिस इज द, आई थिंक दिस इज थ्री डायमेंशन ना, थ्री डायमेंशन, तो इसको मैं बोलता हूँ दिस इज एल वन, दिस इज एल वन, दिस इज एल टू, दिस इज एल थ्री, राइट। तो यहाँ पे एल वन कितना हो जाएगा, एल वन फॉर दिस क्यू, क्यू मल्टी डायमेंशन अरे के लिए 8 माइनस वन, अगेन यू बी वन माइनस एल बी वन प्लस वन, तो 8 माइनस वन मिनट, तो 8 माइनस वन प्लस वन इट इज, दैट इज 8, एल टू इज व्हाट, एल टू इज यू बी टू, सी वन मिनट, तो दिस इज एल बी वन, दिस इज यू बी वन, दिस इज एल बी टू, दिस इज यू बी टू, दिस इज एल बी थ्री, दिस इज यू बी थ्री, राइट। अब एल टू इज वॉट, एल टू इज यू बी टू माइनस एल बी टू प्लस वन, तो यू बी टू माइनस एल बी टू प्लस वन, तो यू बी टू इज वॉट, फाइव माइनस माइनस फाइव प्लस वन, तो फाइव ये इलेवन, राइट। एल थ्री इज वॉट, एल थ्री इज यू बी थ्री माइनस एल बी थ्री प्लस वन, तो यू बी थ्री इज फाइव माइनस माइनस टेन प्लस वन, तो फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, फिफ्टी वन प्लस सिक्सटीन, कर्सर, नाउ तो 5 माइनस माइनस 10 इज 15 एंड 16, तो दिस इज 16, राइट। तो दिस लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन वी फाइंड, तो लेंथ ऑफ p इज, और लेंथ ऑफ p l1 क्रॉस l2 मींस 5, तो आंसर इज, फर्स्ट आंसर इज द लेंथ ऑफ p इज, द लेंथ ऑफ p इज, you can say like here p is 5 cross, what is this, 5 cross 5 by 21, so this is the length of each dimension. Similarly for the q ke liye kya hai, q ke liye you can say like 8 by 11 by 16, right? So this is three dimension array, ये टू डायमेंशन अरे बाई फाइव बाई ट्वेंटी वन एंड दिस इज थ्री डायमेंशन अरे, तो सिंपल दिस इज एल वन एल टू एल थ्री। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड क्यू, वेरी इजी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड क्यू, दिस इज पी इज फाइव बाई ट्वेंटी वन एंड क्यू इज 8 by 11 by 16. The total number of element, how much?
See, for example, suppose I'm going to take a simple example again. Right. Suppose this is a matrix of 2x3 matrix, right? The 2x3 matrix is there, this one, and 2x3, so this is 2x3 matrix, it's 2x3 matrix. Suppose I am telling you, okay, the matrix is 2x3, then how many elements are there? Simply you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements. The second part is asking this, this second part, listen, this second part, number of element in P and Q. So P and Q dimension is 2x3, the number of element is multiplication of 2x3, 2 into 3, 6. Similarly, the number of element in P should be, you can write here, elements in P. P, the dimension of P is 5x21. In P is equal to what? 5x21. Very easy. That is 105. Right? Similarly, the second for the Q dimension, number of element is equal to number of elements in Q is equal to how much? 8 into 11 into 16. 88 into 16. Yeah. This is 1408, right? 140. The total number of element in Q is 1408. And total number of element in P is 105, right? This is a very, two questions are very simple. First and second part. Okay, now the main intention and main motive for this video is, now I'm going to start here. Assuming the third part. Third part is, assuming base address Q is equal to 400, W is 4, find the effective indices E1, E2, E3 and address of element of Q333, right? So how to solve this problem? See, listen. So for this, first thing, now let me copy this again. Copy and let me paste here. Right. See, listen. Third part is asking about Q dimension, Q multidimensional only. Yeah? The Q ka, hamare paas Q ko, what is the, this is UB1, this is LB2, this is UB2, this is LB3 and this is UB3, okay. And you also know about L1, L1 is equal to what? What is L1? L1 already calculated here. L1 is what? L1 is, you can say, L1 is 8, this is L1 is 8, L2 is 11 and L3 is 16. You can write it directly, huh? L1 is equal to, okay, 1, 2. One more time, I'm going to write here. LB1 UB1 plus 1, that is, I'm going to write here. 8 minus 1 plus 1 is equal to 8 minus 1 plus 1 is equal to 8. Right? L2 is equal to what? L2 is, you can calculate here. L2 is 11, L3 is 16. Okay. Now, L2 is UB2 minus LB2 plus 1. UB2 is what? 5 minus plus 1 is equal to 11. And sorry, L3 is equal to UB3 minus LB3 plus 1. That is 5 minus 10 plus 1, that is 16, right? So L1, L2, L3, L3. Now, the formula. The question is, multidimensional array, this is Q, is stored in column measure order. What is this column measure order? Okay. Now, to sake of understanding, I am going to write here as row measure order. The place of column measure order. हम अभी मैं row measure order पे work करने जा रहे हूँ. उसके बाद column measure order पे करेंगे. ठीक है? तो suppose if the Q multidimensional array is stored in row measure order, then what will happen in that case? उसके बाद row पे हम बात करें. तो हम बात करने जा रहे हैं row measure order. ठीक है? Row measure order. Okay, right. तो row measure order के लिए हम क्या लिखेंगे? सुनिए ध्यान से. Listen. Now the formula is, trick is, you can say trick. Trick kya hai yahan pe? Yahan pe hum aise likhenge.
अच्छा ये कितने डायमेंशन का है, थ्री डायमेंशन, दिस इज एल वन राइट, दिस इज एल टू एंड दिस इज एल थ्री राइट। तो एल वन एल टू एल थ्री, तो यहाँ पर एल वन इज इक्वल टू व्हाट, ओके एल वन और यहाँ पे हो गया एल टू और यहाँ हो गया एल थ्री। यहाँ पर इसके आगे लिखिएगा ई वन ई टू एंड ई थ्री राइट। अब हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला थ्री डायमेंशन है, एल वन एल टू एल थ्री ई वन ई टू ई थ्री, यू कैन से राइट हियर, थ्री डायमेंशन है एल वन ई वन एल टू ई टू एल थ्री ई थ्री। अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज ई वन ई वन ई टू ई थ्री राइट। तो फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे आप ऐसे करिएगा एल टू इंटू एल टू ई वन इंटू एल टू प्लस ई वन इंटू एल टू प्लस ई टू होल मल्टीप्लाई बाय एल थ्री प्लस प्लस ई थ्री राइट, यहाँ प्लस। और सिमिलरली ऐसे ही अगर फोर डायमेंशन होगा तो होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल फोर प्लस ई थ्री, एल फाइव डायमेंशन होता तो एल फाइव इंटू एल फाइव प्लस ई फाइव, ऐसे ही चलता जाए राइट। तो अब मैं इसको फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ई वन इंटू एल टू ई वन इंटू एल टू प्लस ई वन इंटू एल टू प्लस ई टू राइट प्लस ई टू होल मल्टीप्लाई बाई एल थ्री, तो ये मल्टीप्लाई बाई एल थ्री प्लस ई थ्री प्लस ई थ्री राइट। अगर मेरे पास फोर डायमेंशन होता तो यहाँ पे एल फोर लिखता और होल मल्टीप्लाई बाई ये ऐसे लिखता मल्टीप्लाई बाई एल फोर प्लस ई फोर, ओके अगर फोर डायमेंशन होता तो, बट अभी क्या है थ्री डायमेंशन है, कंट्रोल जेड मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू यू नो ऑलरेडी प्लस बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ओके नाउ बेस एड्रेस। अच्छा यू नो व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई डब्ल्यू एंड एडिंग बेस एड्रेस, ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो राइट। तो नाउ तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू प्लस बेस एड्रेस, और ये क्या है, ये है आपका यू कैन सी हियर क्यू का क्यू के एड्रेस के वन के टू एंड के थ्री का क्या है ये एड्रेस है राइट, के वन के टू के थ्री का एड्रेस है। नाउ अब हम ये देखेंगे, नाउ अभी मेरे पास ये एल टू एल थ्री ये आ चुका है, अब यहाँ पे के वन के टू के थ्री क्या है, ये वाला के वन के टू के थ्री है, दिस इज के वन दिस इज के वन दिस इज के टू एंड दिस इज के थ्री राइट। नाउ लिसन अब ओके नाउ लिसन अब इसी में हम यहाँ पे लगाते हैं। नो अब मुझे इवन चाहिए, इवन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन इज इवन क्या है, इवन के लिए हम अगर मैं देखूँ तो इवन को मैं ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ई आई इज इक्वल टू के आई माइनस एल बी आई ठीक। एक्चुअली हम यहाँ पे केवल थ्री से ही काम चल जाता, थ्री ही लिख सकते थे यहाँ पे, बट थ्री से ये डिपेंड करता है थ्री का लोअर बाउंड क्या है, अगर जीरो है तो थ्री माइनस जीरो, लोअर बाउंड वन है तो थ्री माइनस वन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग हियर इवन राइटिंग हियर इवन इज इक्वल टू थ्री माइनस एल बी वन। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इवन इज इक्वल टू व्हाट शुड आई राइट, इवन माइनस एल बी वन, तो इवन माइनस एल बी वन इज व्हाट, इवन क्या है यहाँ पे नहीं सर, के वन क्या है थ्री है, थ्री माइनस एल बी वन, देखिए एल बी वन ये है वन, तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, E2 इज इक्वल टू K2 माइनस LB2, तो K2 इज वेयर, K2 इज 3, तो 3 माइनस LB2 क्या है ये माइनस 5 है, यहाँ पे हम माइनस 5 लिख दिया, आंसर इज 8। सिमिलरली E3 इज इक्वल टू K3 माइनस
LB3. So K3 is what? Again 3. 3 minus LB3 is what? Minus 10. This is minus 10, na? So minus 10. The answer is 13. तो ये मेरा E1, E2, E3 की वैल्यू आ गई, पुट हियर सिंपली। अब यहाँ पे राइट, तो अब हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, बेस एड्रेस 400, तो हमने लिख दिया 400 प्लस W इज अगेन इवन 4, और ये जी E1, E1 इज व्हाट 2, दिस इज 2 इनटू L2 कितना दिया है 11, हमने कैलकुलेट किया है, प्लस E2 कितना है 8, L3 इज 16 प्लस E3 इज व्हाट 13, E3 इज व्हाट 13, E3 इज 13 राइट, ओके कैलकुलेट दिस सिंपल, 400 प्लस 4 22 प्लस 30 36 480 493 493, यू कैन इजली कैलकुलेट लाइक दिस, 400 प्लस 2372, this is the value of 2372, right? So 2372 is the answer. Now see, video थोड़ा lengthy हो रहा है, but मेरा motive बस ये point है. Try to understand. This is my point. This is my motive to make this video. ठीक? What is this? L1, E1, E2 this multiplication ना? क्योंकि students generally क्या होता है कि वो लोग याद करना पड़ता है formula को. तो मे बी देर इज अ चांस ऑफ टू फॉरगेट द फॉर्मूला, कि भूल गया और फॉर्मूला, तो फिर उस टाइम पे आपका आंसर गलत आ सकता है. तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं. तो अगेन दिस इज 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन पे L4, सिमिलरली दिस 2 डायमेंशन पे भी वर्क करेगा, 2 डायमेंशन इवनली 1 डायमेंशन पे भी वर्क करेगा. तो आई विल मेक द अनदर वीडियो रिलेटेड टू दिस वन. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कॉलम मेजर ऑर्डर. तो क्वेश्चन क्या था ये, कॉलम मेजर ऑर्डर. कॉलम मेजर ऑर्डर में हम इसको रिवर्स में लिखते हैं. क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स में लिखेंगे. तो रिवर्स में देखिए कैसे लिखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लूं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ओके राइट नाउ, तो कॉलम मेजर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आपको, फॉर द कॉलम मेजर. हाँ, रो मेजर के लिए क्या लिखा था एक बार, और रो मेजर ऑर्डर के लिए हमने क्या लिखा था, रो मेजर के लिए लिखा था L1, L2, L3 एंड L1, E1, E2, E3 राइट, क्योंकि 3 डायमेंशन था. हमने E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L3 प्लस E3 ऐसे राइट. बट कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए हम लोग लिखेंगे, कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए, कॉलम मेजर इसको रिवर्स कर देंगे. अच्छा, ये क्यूब किस कितने डायमेंशन का, 3 डायमेंशन. तो 3 डायमेंशन मींस L1, L2, L3. यहाँ पे हम लिखेंगे L3, L2, L1 एंड दिस इज E3, E2, E1. वेरी इजी. नाउ अगेन मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, E3 इंटू L2, E3 इंटू L2 प्लस E2 होल मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस सॉरी वन तो E3 इंटू L2 प्लस E2 होल मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस E1. तो इसका फॉर्मूला क्या है देखिएगा, E3 इंटू L2 E3 इंटू L2 प्लस E2 राइट प्लस E2 होल मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस E1 राइट. इसको हमने क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय W प्लस बेस एड्रेस, बेस एड्रेस
राइट ओके, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है क्यू के वन तो ये फॉर्मूला के वन कॉमा के टू कॉमा के थ्री का क्या है, ये एड्रेस है बट कॉलम मेजर ऑर्डर में, किसमें है ये कॉलम मेजर ऑर्डर, वैल्यू पुट करते हैं तो ई थ्री ओके अगेन वैल्यू विल बी सेम, ई थ्री की वैल्यू क्या है ये देखो, ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यू हमने लिया था यहाँ से, ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यू कॉपी हो दिस ओके तो पेस्ट हियर गुड नाउ ये क्या है No. तो ये मेरा हो गया था ई वन, एल वन एल टू एल थ्री भी निकाला था हमने, देखे ये था एल वन एल टू एल थ्री ये था right. यहाँ पे था बेस्ट गुड नाउ तो ये E1, E2, E3 हो गया और ये L1, L2, L3 हो गया सेम वैल्यू के लिए, अब यहीं पे हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखिए इसमें तो क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूँ क्यू के थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री का एड्रेस निकालने के लिए, एड्रेस के लिए बेस एड्रेस कितना है, एड्रेस दिया था 400 तो बेस एड्रेस इज 400 राइट प्लस डब्ल्यू इज व्हाट 213 इंटू एल टू इज 11 प्लस ई टू इज दिस 8 होल मल्टीप्लाई बाय एल वन इज 8 ए टू एट हाँ प्लस ई वन, ई वन इज वॉट टू राइट तो ये हो गया आपका 400 प्लस टू प्लस 8 × 8 प्लस टू यू कैन फाइंड आंसर 400 प्लस टू 138 151 इंटू 8 आई थिंक 1200 यू कैन मल्टीप्लाई ना प्लस टू 151 प्लस 8 158 जा 128 प्लस टू 110 1210 400 प्लस टू 1210 देन यू कैन फाइंड द वैल्यू आई लाइक 424 20 and 2420 is 2820 I think so you can calculate maybe calculation will be here so this is the value of in column major order and row major order the value is 2372 right so so again so what is the conclusion of this video is in row major order you can use the formula like this one this is the formula right what is this for row major order and what is this for column major order right to again agar ye agar four dimension hota to l4 l3 l2 l1 e4 e3 e2 e1 hota par se multiply karte jate right
नो यू कैन सी हियर कि ये काफ़ी टाइम हो गया इसमें कैलकुलेट सॉल्व करते टाइम, बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो ना, तो फर्स्ट है प्रोसेस हमने समझाने के लिए टाइम लग गया E1, E2, E3, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट ओनली L1, L2, L3, E1, E2, E3, ठीक है? इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग.